मैं पढ़ रही थी एक चुटकुला, संत फेल हो गया, बड़ा रोए। 10वीं में वो छठी बार फेल हो गया, बड़ा रोए वो। सारे कहे भी इस बार तो इतना क्यों रो रहा है, कह रहे सत्संग सुनना शुरू किया मैंने तो ये समझ लगी कि आगे भी जन्म होगा। अगर अब 10वीं क्लियर ना हुई तो बेटा आगे फिर का ख ग पढ़ना पड़ेगा, फिर से गणित भूगोल खगोल पढ़ने पड़ेंगे। अब भी पूरी हो गई तो शायद बच जाऊं, फिर ना पढ़ना पड़े। नया जन्म होते ही कहूंगा आता है, ये पहले से आता है। हमारे शंकराचार्य आप देखिए ना, 8 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया है, 12 वर्ष की आयु में उन्होंने सारे भाष्य कर दिए, सन्यास हो गया 12 वर्ष की आयु में। पिछला होमवर्क किया हुआ है ना सारा, तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं। जहां 8 साल के हुए वहीं निकल गए, और कई वो हैं हजारों करोड़ों जीव हर जन्म में वही कहानी करते हैं, पर गधे के गधे ही रह जाते हैं। बच्चे से जवान हो जाओ, पढ़ो लिखो, शादी करो, बच्चे बनाओ, पालो। माँ बाप का तो पूरा जीवन बच्चों में निकल जाता है। बाप कहेगा अपने लिए थोड़ी कमा रहा हूं, इनके लिए कमा रहा हूं। मुझे याद है सिंगापुर में एक बहुत धनाढ़ के घर में मैं थी, तो उसने यही बात बोली कि मैं तो बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। उसकी बेटी, इकलौती बेटी, सामने ही बैठी थी, वो कहती, व्हेन डिड आई से टू डू दिस फॉर मी, आई वॉन्ट यू नॉट योर मनी। साल में 4 बार तुम दिखते हो, ये मत बोलो कि मेरे लिए कमा रहे हो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, आई एम वेरी हैप्पी विद वट एवर आई हैव। बच्चे जवान हो जाए, फिर वो तब इनकी शादियां हो जाए, फिर शादी अच्छी जगह हो जाए, और अगर अच्छी जगह नहीं हुई तो रिपीट एपिसोड शादी कर लिए, फिर लड़का ढूंढो, फिर सब बुक करो। मैं एक को कह रही थी, उसकी शादी थी, मैंने कहा देखो इसको ना आप ट्रायल समझ लो, ट्रायल। गाड़ी अच्छी लगी ले लो, ना अच्छी लगी रहन दो। कहते जी गाड़ी और नारी में बड़ा फर्क है, गाड़ी ट्रायल करके छोड़ी जा सकती है, नारी तो गले पड़ जाएगी। तो ये सेम सिचुएशन नहीं है। तो मैं, आप आंख खोल के कूद रहे हो ना तो अच्छी बात है, खुली आंख कूदो, जो होगा देखा जाएगा। फिर बूढ़े हो जाओ, फिर बुढ़ापा भी कईयों का बड़ा कठिन बीतता है, सारी जिंदगी कुछ करते नहीं ना, आसन प्राणायाम कुछ भी नहीं, फिर अब ये नहीं चल रहा, अब ये नहीं चल रहा, अब ये नहीं चल रहा, हार्ट नहीं चल रहा, पेनक्रियास नहीं चल रहा, लीवर नहीं चल रहा, गोड्डे नहीं चल रहे। वो कहते जी गोड्डे नहीं चल रहे तो गोड्डे बदला ले। मैं, काश अकल बदलाने का भी कोई सर्जरी होती, जरूरत तो उसकी है, नॉट जस्ट द नी ट्रांसप्लांट और द हिप ट्रांसप्लांट, यू नीड अकल ट्रांसप्लांट। वो कहीं पहले हो जाती ना राइट टाइम पे, जिंदगी बर्बाद नहीं होती। पर ऐसी करोड़ों जिंदगियां जीव बर्बाद कर चुका है अज्ञानतावश, करता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो 3 काल में मूर्ख रहेगा जो अविद्या वाला रहेगा, और 3 काल में तुम ज्ञानी और तत्ववेत्ता भी रह सकते हो। चॉइस इज योर्स। तो कल अगर देह होगी तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होगी बड़ी अच्छी बात है। तो नाम रूप तो असत है, होए नहीं होए उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। वाई शुड इट बादर मी, वाई शुड इट बादर यू, बिकॉज वॉट इज ट्रू फॉर मी इज ट्रू फॉर यू।
हम लोग यहाँ आश्रम के विषय में कुछ चर्चा हो रही थी, काम कंस्ट्रक्शन इत्यादि की, तो बात ये उठी कि भाई सब कामों में क्यों घुस जाते हो, किसी को हम कह रहे थे सब कामों में क्यों घुस जाते हो। वो कहते जी करने वाला तो मैं ही हूं। अब जिसे समझ ना हो इस वार्तालाप की तो वो क्या कहेगा कि गुरुजी के आगे ये बंदा ढीठ मूर्ख कह रहा है करने वाला तो मैं ही हूं। बट इजंट इट ट्रू, मैं ही तो करता है। जब कोई मिस्त्री या मजदूर हो तो क्या करेगा, मैंने किया। ठेकेदार आएगा बोलेगा मैंने किया। कॉन्ट्रैक्टर आएगा बोले मैंने किया। लेबर आएगी बोले मैंने किया। आर्किटेक्ट कहेगा मैंने किया। जो मालिक है वो कहेगा मैंने कराया है। तो कर तो मैं ही रही है, तू तो करता ही कुछ नहीं। तो ध्यान से समझना इस बात को, मैं ही करता हूं और तो कोई करता ही नहीं, तो मैं ना करूं तो कुछ होएगा ही नहीं। Are you getting it what I'm saying? मैं में कोई भेद नहीं है, मैं सत्य है, मैं चैतन्य है, मैं आनंद स्वरूप है। आगे प्रश्न आ रहा है, मैं तीनों कालों में परम प्रिय होने से आनंद हूं, ये कैसे जानना? ये ऐसे जानना, जागृत में मैं प्रिय हूं, स्वप्न में मैं प्रिय हूं, सुषुप्ति में मैं प्रिय हूं। नहीं, आपको अपना आप जागृत में प्रिय नहीं है, हैं? स्वप्न आएगी तो प्रिय नहीं है, कोई और प्रिय हो जाएगा। ये मैं ही का प्रताप है सारे पासे। मैं सोया बड़ा मजा आया, मेरे को सपना आया बड़ा मजा आया, हम घूमने गए हमें बड़ा मजा आया, तो मजे सारे मैं को आ रहे हैं। बस फर्क ये है, अज्ञानी समझता है बाहर से आ रहे हैं, ज्ञानी समझता है मुझे मुझी से आनंद आ रहा है। ऐसे ही प्रातः काल मध्यान्ह काल में मैं प्रिय साए, दिवस रात पक्ष में, मास ऋतु वर्ष में, बाल यवन वृद्ध में, पूर्व इस दे भावी दे में, युग मनु कल्प में, भूत भविष्य वर्तमान में, इस रीति से तीनों कालों में मैं परम प्रिय हूँ, अतः मैं आनंद हूँ, ये जानो। आखिरी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानना। क्या बोल रहे हैं कट्ठे बोलो, ये फिर से कहो, ये पढ़ना नहीं, ये सुनना नहीं, ये को ये जानना है। अब ये पहली ये कौन सी थी, सब लगा यूं ये ये जानना, ना पढ़ना ना सुनना, ये जानना। तो कैसे, बस चांद चौकस रहो हमेशा। अब ये सुना रहे हैं तो आनंद किसको आ रहा है, मैं को कि तू को? बोल यहां मैं रहा है कि तू, इधर बोल मैं बोल रही, कह रही मैं सुन रही, मैं को बोल के मजा आ रहा है, मैं को सुन के मजा आ रहा है, लीला किसकी हो रही, मैं की? अच्छा, मैं मेरी बात बता रही हूं कि मैं तेरी बात बता रही हूं, हैं? अच्छा, मेरी तेरी कुछ होती है कि नहीं होती? और जब होती है तो वो गलती होती है। तो जो मेरी तेरी करे वो अज्ञानी, जो सिर्फ मेरी मेरी करे वो ज्ञानी। सबको प्यारा कौन? आनंद। आनंद कौन? मैं। तो सबको प्यारा मैं, सबसे प्यारा
मैं, सबके लिए प्यारा मैं, तो लीला किसकी? मैं की। अब कोई बाहर आके बैठ के सुनने लग जाए, वो कहेगी ये क्या हो रहा है, मैं 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 कह रहे, हमें तो तू तू कहना चाहिए, भगवान है ना, तो तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, ये मैं ये क्या? वेदांत यही तो है, वो कह रहे तू कुछ है ही नहीं, मैं ही है। बोलता कौन? मैं। सुनता कौन? समझता कौन? नहीं समझता कौन? और मैं सच्चिदानंद, और मैं अनचेंजेबल, अव्यक्त, अव्यय, आकार रहित। प्रश्न, मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीनों कालों को क्या जानना? मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीनों कालो दुख है ये जानना। संसार क्या है? दुख। देखो यहां तो समझ लो अभी के अभी, नहीं तो जूता खा के समझोगे। समझना तो यही पड़ेगा। एक लड़की हमारे पास यहाँ आश्रम में रहना चाहती थी, कुछ समय रही, पर उसके पिताजी ना हर महीने आके बैठ जाया करें, मेरी बेटी को आप समझाओ ये घर वापस जाए, तो मैं ले जाओ। तो बेटी पहले तो मानी नहीं, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो यहाँ से चली गई। तो मैं चलो उसके पिताजी अब सुखी हो जाएंगे भी, वो गई यहाँ से, घर आ गई वापिस। फिर कुछ समय बाद वो लड़की फिर मिली मुझे, तो मैंने सबसे पहले पूछा तुम्हारे पिताजी कैसे, क्योंकि सारी उसकी जिंदगी की कहानी उसके पिताजी के चक्कर में गड़बड़ा गई थी, वो तो कुछ और करना चाह रही थी और हुआ कुछ और। कहती वो तो गए। मैं लो तेरा बंटा धार करके खुद निकल लिया बुढ़ा। वो कहते थे शादी भले मत कर पर रह सामने मेरे, अब आप रहा ही नहीं सामने। गेम क्या हुई? गेम तो बड़ी अजीब हो गई ना। एक किसी और लड़की है, देखिए हम ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते शायद इससे अकल आ जाए। जीवन बड़ा कीमती है ना भाई, और अजीब अजीब कांडों में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। एक कहते मेरे को बड़ा शौक है मेरा बड़ा नाम हो, मेरा बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, कई साल लगाए, बनाया, चल गया, कोई पुण्य है सपोर्टिव हो गया ना, तो काम अच्छा हो गया, बड़ी प्रसिद्धि भी हो गई। फिर वो बीमार हो गए, फिर वो मुझे पूछते हैं मेरा क्या होगा। मैं कह, ये बात तो गब्बर सिंह ने भी कही थी, तेरा क्या होगा कालिया। और उसने कहा था सरदार मैंने तुम्हारा नमक खाया, और फिर गब्बर क्या बोला था, अब गोली खा। मेरा क्या होगा, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। भाई प्रेम तो करते थे, पर जो जीवन साधना सेवा में जा सकता था वो तो इंस्टीट्यूशन बनाने में, अमीर होने में, चार बच्चे पैदा करने में लगा दिया, शरीर इस चक्कर में सारा रोगी कर लिया, अभी खच्चट घोड़ा चल ले कोई ना, चाहे चार चार बैंत लगाओ, अब घोड़ा कहाँ से चल ले, तो फिर अब तो गोली खा। पिस्तौल वाली नहीं, दवा की गोलियां, फिर वही चलती हैं। मुझे एक और विज्ञापन जो बचपन में टीवी में हम लोग देखते थे,
आपको भी अगर याद हो तो जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती जो रोशन होता बजाज। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूं, गोली खा के जीता हूं, अब भी मेरे घर के अंदर रोशनी करता बजाज। तो जो गुरु का ज्ञान है ना वो बजाज है। तो बचपने में भी ज्ञान की ही रोशनी, जवानी में भी ज्ञान की ही रोशनी, बुढ़ापे में भी ज्ञान की ही रोशनी, काम ज्ञान की ही रोशनी आती है। बचपना जाएगा, जवानी जाएगी, बुढ़ापे को मौत खा जाएगी। अब ये समझ लग जाए तो फिर प्रारब्धवश जो होए सो होए, पर अपना विवेक जागृत करना चाहिए। क्या करना नहीं करना, डू इट विद योर विवेक, डोंट फॉलो द हर्ड, डोंट हैव अ क्राउड मेंटालिटी। क्योंकि सब ये कर रहे इसलिए हम ये कर रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया को किसी ने कहा, जब वो कहते हैं उनकी शादी के लिए कहीं रिश्ते की बात हो रही थी, किसी ने कहा बेटा क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं बांसुरी बजाता हूं। बोले वो तो ठीक है पर करते क्या। नहीं करते क्या हो, बोले जी बांसुरी ही बजाता हूं। बोले बेटा वो तो तेरा शौक है, फूकली बांस की पोंगरी कभी कभी, पर करते क्या हो। तो ये बताने के लिए दूसरों को कि मैं किसी ऑफिस में क्लर्क हूं, अगर वो बांसुरी छोड़ देते तो संगीत के जगत में कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। तो दुनिया कहती रही क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, और वो वही करते रहे जिससे एक तो उनको आनंद था, और फिर जब वो बहुत अच्छे सक्षम बजाने वाले हो गए तो सारा संसार उनके उस बांसुरी को सुन के आनंद ले रहा। दुख रूप है संसार, तीनों काल में, ये उसका नेचर है। प्रश्न, आनंद और दुख का निर्णय किससे होता है? आनंद और दुख का निर्णय अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से होता है। आनंद और दुख के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक युक्ति कैसे जाननी, ये युक्ति ऐसे जाननी, देखिए फिर वही प्रोसेसारी अन्वय और व्यतिरेक, जो मैं जागृत में प्रिय वही स्वप्न में, वही आनंद। अव्यतिरेक जागृत मेरे को प्रिय नहीं, अतः ये जागृत दुख है। इस रीति से आनंद और दुख के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक रीति को आप जानिएगा। देखिए जागृत में जो ये सब संसार भासता है, ये संसार भासते में अध्यास याद कर लीजिए, है तो ये दुख रूप पर लगता ही नहीं है। क्या लगता है? प्रिय है तो ये असत, पर क्या लगता है? सत। क्यों? अध्यास की वजह से। तो है तो ये दुख रूप,